हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी जानते हैं कि ये एक नई वीडियो सीरीज है जो कि मैंने शुरू की है अपने इस चैनल पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपके वर्ड पावर मेड इजी की जो बुक है, उसमें जो पीछे की तरफ जो डिक्शनरी दी गई है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी इस किताब से अच्छी तरह भली भांति वाकिफ हैं। ये पूरी किताब मैंने कवर कर दी है। इसमें जो शुरुआत के सेशंस हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। जो इसमें पीछे की तरफ ये जो डिक्शनरी दी गई है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, अगर ये जो डिक्शनरी दी गई है इस पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि जो पीछे की डिक्शनरी है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और धीरे धीरे डेली 20 वर्ड्स हम करते हैं और उस तरीके से हम पूरी बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आगे के वर्ड्स जो कि हम लोग इसी सीरीज में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगले शब्द हमारे क्या हैं। बिफोर आई प्रोसीड, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई मी अमन त्रिवेदी। आप मेरे सारे वीडियोज इस चैनल पे देख सकते हैं। मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैंने SSC CGL 2016 में क्लियर किया था। आई वॉज सेलेक्टेड एज एन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप अन अकेडमी पर मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप AMANT इस रेफरल कोड को नोट कर सकते हैं। इससे आप मेरी सारी क्लासेस को खरीद सकते हैं। अन अकेडमी पर मेरे कोर्सेज खरीद सकते हैं SSC कैटेगरी के। और अगर आप एक बारी कोर्सेज खरीदते हैं तो अन अकेडमी पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा डेली फ्री क्लास अन अकेडमी पर होती है, इंग्लिश मॉक टेस्ट फॉर SSC एग्जाम्स। इसकी टाइमिंग है 5 PM, यानी शाम को 5 बजे इसमें हमारी डेली क्लास होती है। आप 5 बजे की क्लास में इसको अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एड्रेस है @AmanTrivedi। कमेंट सेक्शन में भी आपको मैं लिंक पिन कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी पहला लिंक टेलीग्राम चैनल का ही है। इसमें हम लोग टेलीग्राम चैनल में जैसे कल जो वीडियो आया था उसका PDF आज आप लोगों को मिल जाएगा। एक दिन देरी से PDF मिलेगा। और जो पुराने सेशंस हैं उनका भी आपको इकट्ठा PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द ही, वो भी मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बात शुरू करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं उसी सिलसिले में। पहला जो शब्द है वो है आज हमारा बेनेफैक्टर। तो देखिए, जब हम लोगों ने रूट वर्ड्स पढ़े थे तब हम लोगों ने इनके जो पार्ट्स हैं उनको हमने पढ़ा था। जैसे कि इसका जो रूट वर्ड है वो है बेने, BENE, बेने। बेने का मतलब होता है गुड या फिर अच्छा। और फैक्टर, फैक्टर हम लोग मैथ्स में निकालते हैं तो फैक्टर हम कहते हैं कारक को। तो बेनेफैक्टर का मतलब क्या हो गया? बेनेफैक्टर का मतलब हो गया अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अदर्स। वह व्यक्ति जो पैसा या दूसरी मदद दूसरों को देता है उसे हम बेनेफैक्टर कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग UPI एप्स के थ्रू अगर किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसे, जब हम पैसा डालते हैं जिसके अकाउंट में, उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं, क्योंकि वो लाभार्थी है, उसे लाभ मिल रहा है। और बेनिफैक्टर वो व्यक्ति है जो जो अच्छा काम कर रहा है, जो दूसरों की मदद कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर, सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हैं एंजल है, डोनेटर है, डोनर है, फेयरली फेयरी गॉड मदर है, आपका मेसेनस है, पैट्रन है। पैट्रन भी टर्म आता है, पैट्रन मतलब सपोर्ट करना भी होता है। पैट्रनाइज, पैट्रन आपका नाउन है, इसकी वर्ब अगर बनाएंगे तो पैट्रनाइज हो जाएगा। और पैट्रनाइज मतलब किसी को सपोर्ट करना भी होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा patreon.com एक वेबसाइट है जिसपे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स अपनी मदद के लिए आप उसमें पैसे मांगते हैं, तो patreon.com उसका नाम इसी वर्ड पे वो बना है। For example, the money was donated by an anonymous benefactor. जो पैसा था वो एक anonymous का मतलब होता है an मतलब not और nom का मतलब हो जाता है name. तो anon a मतलब not और nom मतलब name. OUS लगता है तो वो adjective बनता है। तो anonymous मतलब हो गया जिसका कोई name नहीं था, यानी कि एक बिना नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा donate किया गया था, जिसने अपना नाम गुप्त रखा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, इनसे अच्छी खबर भली भांति वाकिफ हैं। इस समय सोनू सूद क्या है? बेनिफैक्टर है, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, तो उन्हें हम बेनिफैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म हमारा होता है आपका बेनेवोलेंट। अब मैंने आपको जैसे रूट वर्ड बताया, बेने मतलब गुड, वोल मतलब हो जाता है आपका विश। तो बेनेवोलेंट का मतलब हो जाता है काइंड, हेल्पफुल एंड जेनरस व्यक्ति। एक अच्छा व्यक्ति, भोला भला व्यक्ति जो दूसरों की मदद करना चाहता है उसे कहेंगे बेनेवोलेंट। सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंडली, सॉफ्ट हार्टेड, सिंपैथेटिक, टेंडर, टेंडर हार्टेड, वार्म हार्टेड,
आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनह्यूमन, इनह्यूमेन, इनसेंसेट, सैडिस्टिक। सैडिस्टिक टर्म देखिए क्या होता है, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, जो मानवीय नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि दिस इज एन इनह्यूमन एक्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि बहुत ही अमानवीय कृत्य है जो मनुष्य के साथ नहीं किया जाना चाहिए। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक, एस ए डी आई एस टी आई सी, सैडिस्टिक टर्म का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने सेक्रेट गेम्स का वॉल्यूम 2 पार्ट 2 अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें एक कैरेक्टर है जोजो का। जोजो का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे आता है वो क्या करता है, अपने आप को पेन दे रहा होता है। वो कभी मोमबत्ती अपने ऊपर टपका रही होती है, कभी अपने आप को जंजीर से जकड़ रही होती, कभी ना कुछ करके वो अपने आप को पेन दे रही थी। तो दिस इज कॉल्ड सैडिज्म, इस कॉन्सेप्ट को सैडिज्म कहते हैं। ISM लगेगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, सैडिस्टिक ISTIC लगता है तो वो आपका कॉमन नाउन बन गया, यानी कि एडजेक्टिव बन गया सैडिस्टिक। मतलब हो गया स्वयं को पेन देकर जो आपको जो एक अच्छी अनुभूति होती है उसे कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवी है 50 Shades of Grey, 50 Shades का जो कैरेक्टर है वो भी सैडिस्टिक कैरेक्टर है, यानी कि वो दूसरों को पेन देता है जिससे वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेता है, तो उसी को सैडिस्टिक कहते हैं। इसी से एक दूसरा टर्म बनता है मैसोचिस्ट, MASOCHISTIC, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब हो जाता है वो व्यक्ति जो दूसरों को सैडिस्ट हो गया, जो दूसरों को पेन देकर करता है, और मैसोचिस्ट हो गया वो जो स्वयं को पेन देता है। तो सैडिस्ट वो 50 Shades का जो कैरेक्टर है वो सैडिस्ट है, और मैसोचिस्ट जो जोजो वाला एग्जांपल बताया वो मैसोचिस्ट है, वो स्वयं को पेन देती है। और सैडो मैसोचिस्ट पूरा एक वर्ड बन जाता है जिसका मतलब चाहे वो दूसरों को पेन दे या खुद को पेन दे उसे आनंद आता है, तो उसे सैडो मैसोचिस्ट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था। सैवेज, सैवेज का मतलब ये भी होता है जो रूड है, जो बारबेरियन है, जो असभ्य है, उस सेंस में भी आता है। और वर्तमान सेंस में जैसे आप लोग कई बार मेरा कोई जोक अच्छा निकला तो आप कमेंट में लिखते हैं सैवेज, तो वो एक अलग सेंस है जो कि हमारा एक तरीके से वो अब कोनोटेशन में आ गया है, इस्तेमाल में आ गया है ऐसा टर्म, लेकिन सैवेज का वो मतलब होता नहीं है जिस अर्थ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रकुलेंट, ट्रकुलेंट हो जाएगा अनकम्पैशनेट। अनकम्पैशनेट का मतलब हो जाता है, देखिए हमें अपने साथियों के प्रति कंपैशन दिखाना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशनेट का मतलब एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी का मतलब उनकी भावनाओं को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। अनफीलिंग, अनकाइंड, अनकाइंडली मैलेवोलेंट, मैले मतलब बेने का जो उल्टा अपोजिट रूट वर्ड होता है वो होता है मैले, तो बेनेवोलेंट जो अच्छा चाहता है, मैलेवोलेंट जो बुरा चाहता है। द कंपनी हैज प्रूव टू बी अ मोस्ट बेनेवोलेंट एम्प्लॉयर, कंपनी एक सबसे अच्छी बेनेवोलेंट एम्प्लॉयर प्रूव हुई है, जैसे अनअकैडमी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयर है। ठीक है, अगला टर्म देखिए, इसी से एडवर्ब बन, देखिए एडजेक्टिव में अगर आप ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप ly लगाएंगे तो वो हमेशा एडवर्ब बनेगा, तो बेनेवोलेंटली इसका एडवर्ब हो जाता है। तो बेनेवोलेंट के लिए भी आप सोनू सूद की पिक्चर याद रख सकते हैं कि ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन, जो दूसरों का भला चाहता है, इज अ काइंड पर्सन, जेनरस पर्सन, लिबरल पर्सन, उस सेंस में आएगा बेनेवोलेंट। ठीक है, अगला टर्म देखिए बिनाइन, बिनाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बिनाइन का मतलब होता है काइंड या फिर जेंटल एंड नॉट हर्टिंग एनीबडी। दूसरा अर्थ इसका क्या हो जाता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपकी बीमारी को पहले डायग्नोज करेगा, डायग्नोज यानी पता लगाएगा, एग्जामिन करेगा, कुछ टेस्ट कराएगा, पता लगाएगा इसको कौन सी बीमारी है। ठीक, फिर डायग्नोज करने के बाद वो उस बीमारी की प्रोग्नोसिस बताएगा, प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, ग्नोसिस में ग्नो, GNO एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नो, और प्रो मतलब पहले से, तो प्रोग्नोसिस मतलब भविष्य जानना बीमारी का, कि कैसा भविष्य होने वाला है। तब वो बताएगा कि बीमारी बिनाइन है या फिर मेलाइन है। बिनाइन बीमारी है तो मतलब वो क्योरेबल है, वो चीज ठीक की जा सकती है, और मेलाइन है यानी मेलिग्नेंट है, मेलाइन यानी इसी का जस्ट अपोजिट है, मेलिग्नेंट है मतलब वो क्योर नहीं की जा सकती, इनक्योरेबल है यानी कैंसरस ट्यूमर है। तो बिनाइन मतलब काइंड एंड जेंटल एंड नॉट हर्टिंग एनीबडी हो जाएगा। सिनोनिम इसके एनोडिनी, हार्मलेस, हर्टलेस, इनोसेंट, इनोकस, इनऑफेंसिव, सेफ, वाइट, ये सारे हो जाएंगे। एंटोनिम एडवर्स, बैड, बेलफुल, बेनफुल, डैमेजिंग हो जाएगा, डेंजरस, डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, एविल, मेलाइन हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स याद रखिएगा, ये सिनोनिम और एंटोनिम दोनों तरीके से एग्जाम में कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, देयर आर नॉर्मली अ मोर बेनाइन ऑडियंस,
एडवर्ब एडजेक्टिव में एडवर्ब बनाना है तो एलवाई लगा दीजिए, बिनाइनली एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अगला टर्म है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट, ठीक है, बिक्वेस्ट क्या हो जाता है? मनी और प्रॉपर्टी दैट यू आस्क टू बी गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन व्हेन यू डाई। यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब मृत्यु के बाद अपनी पर्टिकुलर चीज जिसे किसी को व्यक्ति को देने को कह जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप सिनोनिम्स याद रख सकते हैं, बर्थ राइट, हेरिटेज, इनहेरिटेंस, लीगेसी, पैट्रीमनी हो जाएगा। ही रिसीव्ड अ बिगेस्ट अंडर हिज ग्रैंड मदर्स विल, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर की जो विल थी उसमें उसे एक प्रॉपर्टी मिली। बिगेस्ट मतलब क्या हो गया? वो प्रॉपर्टी जो आप अपने मरने के बाद किसी को देने को कह गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म था। अगला टर्म हो जाता है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब हो जाता है वंचित होना, किसी कंप्लीटली विदाउट समथिंग, हैविंग लॉस्ट समथिंग, यानी बिना किसी, बगैर किसी चीज के, किसी वस्तु के आप बेरेफ्ट हो जाते हैं, यानी वंचित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सिनोनिम्स इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो बेरेफ्ट का मतलब बहुत ही ग्लूमी होना, बहुत ही सैड होना, लोनली होना, बिकॉज आपने कुछ खो दिया है, तो उसके लिए भी बेरेफ्ट आता है। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बिरीव्ड, बिरीव्ड फैमिली। बिरीव्ड फैमिली मतलब बहुत ही दुखी फैमिली जिसने किसी व्यक्ति को खो दिया। मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई, तो आप के लिख सकते हैं उसके लिए कि बिरीव्ड फैमिली, क्योंकि उन्होंने किसी को खोया है और इस वजह से वो बहुत दुखी है। बेयर, बैरन, डेस्टिट्यूट, डिवाइड, वॉइड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हिज डेथ इन 1990 लेफ्ट हर कंप्लीटली बेरेफ्ट, यानी कि उसकी मृत्यु ने 1990 में उसे पूरी तरीके से बेरेफ्ट कर दिया, यानी कि बहुत ही सैड बना दिया। ठीक है, द बुक इज बेरेफ्ट ऑफ एन इंडेक्स, यानी कि किताब में इंडेक्स नहीं दी गई है। तो बेरेफ्ट ऑफ का दूसरा सेंस है डिवाइड ऑफ होना, वंचित होना, नहीं होना किसी चीज में, और दूसरा अर्थ है इसका दुखी होना। तो बेरेफ्ट को आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे रणवीर कपूर इसमें चन्ना मेरिया गा रहा होता है, तो क्या है, व्हेन यू इमेजिन योर फेस, जब आपकी महिला मित्र आपको छोड़कर चली जाए, तो यू विल बी वेरी बेरेफ्ट, आप बहुत ही दुखी होंगे, क्योंकि आपकी महिला मित्र आपको छोड़कर चली गई है, या फिर आपका पुरुष मित्र आपको छोड़कर चला गया है, तो आप बहुत ही बेरेफ्ट होंगे। ठीक है, पता नहीं दूसरे केस में उतना ही कारगर है या नहीं, लेकिन पहले केस में तो है। तो बेरेफ्ट आप याद रख सकते हैं रणवीर कपूर की शक्ल से। चलो, अगला टर्म हमारा होता है बिसेट। बिसेट का मतलब हो जाता है टू अफेक्ट समबडी और समथिंग इन एन अनप्लीजेंट और हार्मफुल वे, किसी को अनप्लीजेंट और हार्मफुल तरीके से अफेक्ट करना कहलाता है बिसेट। Afflict इसका synonym हो जाएगा, agonize हो जाएगा, anguish हो जाएगा, bedevil हो जाएगा, besiege हो जाएगा, curse हो जाएगा, excruciate हो जाएगा, harrow हो जाएगा, persecute, सारे ही synonyms इसके सही हैं। The team was beset by injury all seasons, यानी कि टीम बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई पूरे seasons में injuries से, बहुत सारे खिलाड़ियों को injury हुई जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो beset का मतलब होता है बुरी तरीके से प्रभावित होना। ठीक, अब देखिए इसका सिनोनिम्स आप आराम से इससे भी याद रख सकते हो, रणवीर वॉज बेसेट बाय द पेन ऑफ लूजिंग हर हिज गर्लफ्रेंड इन चन्ना मेरिया। तो जब वो ये गा रहा था, ही वॉज बेसेट बाय द पेन ऑफ लूजिंग हिज गर्लफ्रेंड, यानी कि काफी ज्यादा वो दुखी था इस पेन से, इस बात से, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था। ठीक है, तो बेसेट याद रख सकते हैं आपका, टू बी अफेक्टेड बाई ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज से आप कुछ खोने की वजह से आप बहुत ही पेन में होना, अफेक्टेड होना। अगला है ब्लैशफेमी। तो ब्लैशफेमी बहुत ही फेमस टर्म है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, अक्सर खबरों में छाया रहता है ये टर्म पाकिस्तान में खासकर। तो ब्लैशफेमी का मतलब होता है बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इज ऑफेंसिव और शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स और रिलीजन, यानी भगवान या फिर भगवान की किसी भी धार्मिक पवित्र स्थल, पवित्र किताब, पवित्र वस्तु के प्रति अगर आप कोई भी ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं जो कि ऑफेंसिव है, उसे ब्लैशफेमी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैशफेमी का मतलब हो जाता है ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत ही ऑफेंसिव है, या फिर आप किसी भगवान या किसी भी रिलीजन की अवहेलना कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैशफेमी, जिसे हिंदी में ईश निंदा कहा जाएगा। इसका सिनोनिम सैक्रिलेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, याद रखिएगा। प्रोफेनेशन, प्रोफेनेशन मतलब होता है प्रोफेन टर्म, प्रोफेन उसी टर्म से आता है किसी की ईश निंदा करना। इररेवरेंस, किसी का सम्मान न करना। इम्पायटी, डिसेक्रेशन, सेक्रेट मतलब होता है किसी को पवित्र बनाना, और डिसेक्रेशन मतलब अपवित्र बनाना। डिफाइलमेंट भी इसी के लिए आ जाएगा। एंटोनिम हो जाएंगे एडोरेशन, ग्लोरिफिकेशन, वर्शिप करना। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा यू हैव जस्ट हर्ड हिज ब्लैशफेमी। ठीक है,
तो आपको ये अच्छे से इस अखबार का नाम याद होगा, फ्रांस में अक्सर चर्चा में रहता है, न्यूज में चर्चा में रहता है, शार्ली हेब्दो। आपको याद होगा शार्ली हेब्दो इट वॉज अक्यूज ऑफ ब्लास्फेमी, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कार्टून्स बनाए थे जो कि ईस्ट निंदा को दर्शा रहे थे, इसलिए शार्ली हेब्दो पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा था। तो ब्लास्फेमी मतलब हो जाता है आपका ईस्ट निंदा करना, आराम से याद रखेंगे आप इसे। अगला टर्म होता है हमारा ब्लैटेंट। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब हो जाता है खुल्लम खुल्ला कुछ करना। तो डन इन एन ऑब्वियस एंड ओपन वे विदाउट केयरिंग इफ पीपल आर शॉक्ड, यानी कि अगर लोग शॉक्ड होते भी हैं तो होने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस चीज को खुल्लम खुल्ला करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लैटेंट। जैसे कि अगर आप भारत के किसी चौराहे पर जाके किस कर लें तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैटेंट किस हो जाएगा, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं, लोग शॉक्ड हो जाएंगे लेकिन, तो दैट विल बी कॉल्ड ब्लैटेंट। समझ आया? सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिंग, क्लैमेंट, क्लैमरस, ऑब्स्टेपरस हो जाएगा, स्क्वैकिंग हो जाएगा, वोसीफेरेंट हो जाएगा, और इसके अलावा वोसीफेरेटिंग हो जाएगा, वोसीफेरस, यॉपिंग। द होल एपिसोड वॉज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी, यानी कि बहुत ही ओवर्ट, यानी कि बहुत ही ओपन अटेम्प्ट था पब्लिसिटी पाने का। तो ब्लैटेंट मतलब हो जाता है किसी भी चीज को खुल्लम खुल्ला करने की कोशिश करना, ब्लैटेंटली एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपको गाना याद होगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, तो ब्लैटेंट वहां से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लैटेंट आप इसे भी याद रख सकते हैं कि सरदार खान स्लैब जेपी यादव ब्लैटेंटली, यानी कि खुल्लम खुल्ला पूरे थाने में उन्होंने थप्पड़ मारा था, तो दैट वॉज ब्लैटेंट, ठीक है। ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी, आपको समझ आ गया होगा ब्लैटेंट का मतलब, काफी इनफ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अगला टर्म देखिए क्या है, ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर बुरा प्रभाव पड़ना, स्पेशली बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी पर बहुत सारी समस्याओं के थ्रू बुरा प्रभाव डालना, क्या होता है ब्लाइट। इसके अलावा प्लांट्स में, जैसे मैंने पिक्चर ये दिख रही है आपको, इस तरीके की कोई बीमारी हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइट, ठीक है। सिनोनिम ब्लेमिश हो जाएगा, ब्लॉच, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिसफिगरमेंट, एक्सक्रीसेंसी, फॉल्ट, ये सारे हो जाएंगे। हिज करियर हैज बीन ब्लाइटेड बाय इंजरीज, यानी कि उसका करियर इंजरीज से काफी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो सरदार खान ब्लाइटेड जेपी यादव करियर बाय सो मेनी मिस्चीवियस एक्ट्स, यानी कि थप्पड़ मार के और जाने क्या क्या नहीं करके सरदार खान ने जेपी यादव के करियर में लंका लगा दी। तो ब्लाइटेड मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सेम ही इमेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको वर्ड याद रखना मकसद होना चाहिए, जो भी मैं बता रहा हूं वो सारे याद रखिए। याद करने का तरीका इनका सिंपल सा ये है, देखिए मैं ज्यादा वर्ड नहीं बताता हूं, एक ही पेज आपका मुश्किल से भरेगा कॉपी में, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, नो डाउट। लेकिन अगर कॉपी में नोट्स बनाते रहोगे ना, साथ ही साथ जो तरीके मैं बता रहा हूँ उसके साथ साइड में साइड लिखते चले जाओ हिंदी में, आपको सारे टर्म्स याद रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको रिवीजन करना है, तो वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हो, 1x या 2x पे देख सकते हो, बाद में एक बारी तो पहले सही से देख लो, उसके बाद 1x 2x पे देख लो, और उसके बाद अपनी कॉपी से रिवाइज करते जाओ, क्योंकि जो मैं वर्ड लिस्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ। ये बैलेंस लिस्ट है, और ये जो लिस्ट है आपकी CGL से लेकर CDS, MTS, CPO, आपका CAT, MAT, ZAT सारे ही एग्जाम में यूजफुल है, इवन GMAT तक के एग्जाम में यूजफुल है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरी ये पूरी वर्ड पावर सीरीज है, इसके रिव्यूज मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड से मिले हैं, पाकिस्तान से काफी लोगों ने देखा है, कई सारे लोग दुबई से मैसेज करते हैं कि उन्होंने ये सीरीज देखी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत यूजफुल सीरीज है, बशर्ते आप इसे थोड़ा सा शेयर करें, और लाइक और शेयर, अगर आप कमेंट देख रहे हैं वीडियो तो लाइक तो जरूर करो, और कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखो, साथ ही साथ शेयर जरूर करो इसे, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच सके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब हो जाता है शोइंग यू डू नॉट केयर और आर नॉट एंग्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि जैसे ब्लैटेंट था वैसे ही ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या, आप ना ही ज्यादा चिंता करते हैं और ना ही ज्यादा एंग्शियस हैं आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड ब्लाइट। हैप्पी, यू आर डूइंग हैप्पी और नॉट एंग्शियस, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा ब्लाइट सम, ब्राइट, बायंट, चीयरफुल, चीयरी, चिपर और यूपेप्टिक हो जाएगा, गे, ग्लैंड, ग्लैडसम। अच्छा एक चीज और याद रखो, गे का अर्थ हैप्पी होना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको बाकी अर्थ याद होंगे, बट गे होना, हैप्पी अर्थ होना, हैप्पी भी सेंस में आता है। बाइसेक्सुअल अलग टर्म है, बट गे का मतलब हैप्पी होना भी होता है। एंटोनिम हो जाएगा डाउर, ग्लूमी, ग्लम, मोरोस, और सैचुराइन, सल्की, सलन,
इस तरीके से सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे. ही ड्रोव विद ब्लाइथ डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ द रोड विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, इसके अलावा अगला टर्म हमारा है आपका ब्लाइथ का, इसको भी याद रखिए कि सरदार खान थ्रिटेंड रामाधीर सिंह विद ब्लाइथ डिसरिगार्ड ऑफ एनी रूल. यानी कि सरदार खान ने विद ब्लाइथ डिसरिगार्ड यानी कि पूरी तरीके से विदाउट केयरिंग मच ही थ्रेटेंड रामाधीर सिंह ऑन द रोड्स ऑफ वासेपुर. ठीक है, तो सरदार खान ने रामाधीर सिंह को पूरी विद ब्लाइथ डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स यानी कि धमकाया विद ब्लाइथ डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स यानी कि विदाउट केयरिंग अबाउट द रूल्स. तो ब्लाइथ के दो अर्थ हैं, एक है हैप्पी, दूसरा ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट मच केयरिंग अबाउट एनीवन. अगला टर्म है बर्जुआ. देखिए ये लिखते हैं बर्जुआइस, पढ़ते हैं बर्जुआ. ठीक है, बर्जुआ, बर्जुआ क्लास का मतलब होता है मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास. मिडिल क्लास को हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, वी आर बर्जुआ क्लास, तो इसी को बर्जुआ कहा जाता है. मिडिल क्लास, प्रॉपर्टी ओनिंग, प्रॉपर्टिएटेड, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, कन्फॉर्मिस्ट, ऑर्डिनरी. एंटोनिम हो जाएगा प्रोलेटरियन, अनकन्वेंशनल. द हैट आइडेंटिफाइज हिम एज अ बर्जुआ विल बी द राइट आंसर. ठीक, तो बहुत सिंपल सा टर्म था बर्जुआ. ये स्पेलिंग याद रखिएगा, आपके वन वर्ड में पूछी जाती है बर्जुआ. ठीक है, और स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है. बोवाइन मतलब होता है कनेक्टेड विद काउ, यानी कि बोवाइन ये क्या है, बोवाइन काउ. बोवाइन किसके लिए आता है, काउस के लिए आता है टर्म, कि बोवाइन रिलेटेड टू काउस. ठीक है, तो ही वॉज अ जेंटल रादर बोवाइन मैन. अच्छा, बोवाइन का मतलब काउस तो होता ही है, लेकिन अगर किसी जैसे लिखा हुआ है ही इज अ बोवाइन मैन, तो इसका मतलब हो जाता है, देखिए जनरली ये अवधारणा है, हालांकि गाय मर कहीं भी होती है हमारे गांव में, तो लेकिन जनरली ये अवधारणा है कि गाय जो है बहुत ही सीधा जानवर है, बहुत ही भोला भाला सीधा है. तो उसी तरीके से अगर कोई कहता है कि बोवाइन मैन, तो बोवाइन मैन का मतलब है कि बहुत ही भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति. ठीक है, तो बोवाइन का मतलब होगा सीधा साधा, और बोवाइन का दूसरा अर्थ है आपका काव. ठीक है, अगला टर्म है ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स बट व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग, कम शब्दों को बोलना बट अच्छा बोलना, क्या कहता है ब्रेविटी. तो ब्रीफनेस, कंसाइजनेस, शॉर्टनेस और एंटोनिम हो जाएगा लेंथीनेस. हिज एसेज आर मोर ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, यानी कि उसके जो एसेज होते हैं बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होती है उनमें, और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं. तो आप इनको याद रख सकते हैं, ट्वीट्स आर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, यानी कि इनके जो ट्वीट्स होते हैं वो ब्रेविटी के करेक्ट मॉडल हैं, यानी कि 480 शब्दों में ही अपनी पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी. ठीक है, इसके अलावा अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ब्रोच. तो देखिए ब्रोच के मैं दोनों ही मीनिंग बताऊंगा. ब्रोच के दो अर्थ होते हैं, एक नाउन की तरह, एक वर्ब की तरह. नाउन की तरह जो साइड में आपको ये पिक्चर दिख रही है, इधर या इधर दिख रही होगी जो पिक्चर दिख रही है, ये आप लोगों ने कोट पे लगाया हुआ देखा होगा, जैसे शादियों में कोट पे जाते हैं तो कोट पे यहाँ पे लगा लेते हैं, पिन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोच. तो वो नाउन हो गया. और ब्रोच का अर्थ अगर वर्ब के सेंस में देखेंगे तो ब्रोच का अर्थ होता है टू किसी भी मुद्दे को रेज करना, किसी बात को करना, किसी मुद्दे को रेज करना या किसी पॉइंट को रेज करना. टू बिगिन टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्कस especially because it is embarrassing or because people disagree about it. यानी किसी भी मुद्दे को उठाना बात करने के लिए, और वो ऐसा मुद्दा है जो जिस पे ज्यादातर लोग बात करने से कतराते हैं क्योंकि वो embarrassing है, और ज्यादातर में वो लोग उससे agree नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं broach. Synonym हो जाएगा break या फिर surface. Antonym clear-headed हो जाएगा. The report fails to broach some important questions. यानी कि report जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाने में असक्षम होती है, यानी कि वो नहीं उठा पाती. तो ब्रोच का मतलब हो गया रेज करना टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउन हो जाएगा ब्रोचर. अगला है ब्यूकॉलिक. ब्यूकॉलिक होता है कंट्रीसाइड. कंट्रीसाइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र. तो ब्यूकॉलिक मतलब हो गया आपका रस्टिक व्यक्ति, देहाती व्यक्ति जो गांव में रहता है, जो गांव का जीवन जीता है, उसे कहेंगे कंट्री. पैस्टरल, रूरल, रस्टिक हो जाएगा. एंटोनिम अर्बन हो जाएगा. देयर वाज अ सर्टेन ब्यूकॉलिक लुक टू द फेसेस ऑफ कार ड्राइवर्स. यानी कि ब्यूकॉलिक का मतलब बेसिकली क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल होता है. ब्यूकॉलिकली इसका एडवर्ब हो जाएगा. अगला टर्म है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब देखिए होता है आपका लाल फीताशाही, जिसे आप रेड टेपिज्म भी कहते हैं. मतलब टू मच ऑफिशियसनेस, यानी कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स.
यानी कि आपके ऑफिसर्स के द्वारा सरकार अगर चलाई जा रही है उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल्स रूल्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेशली व्हेन दीज सीम्स टू बी टू कॉम्प्लिकेटेड. कहने का मतलब है अगर सरकार को सरकार में नेता यानी हमारे प्रतिनिधि ना चलाएं और जो आईएएस ऑफिसर्स जो पढ़ के गए हैं वो चलाएं तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है. सारे डिसीजंस ब्यूरोक्रेसी के जरिए हो रहे हैं यानी कि सारे डिसीजंस ऑफिसर्स ले रहे हैं ना कि नेता लोग ले रहे हैं. ठीक है, और जनरली ये अवधारणा है, ये माना जाता है कि नेता लोग ज़्यादा सही डिसीजंस लेते हैं बजाय आपके ब्यूरोक्रेसी के, तो उस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है. I had to deal with the university's bureaucracy before I could change from one course or from another. यानी कि हमें यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो पूरा ऑफिशियसनेस है, पूरा जो ऑफिशियल तरीका है, उससे गुजरना पड़ा अपने फॉर्म को चेंज करने के लिए, कोर्स को बदलने के लिए. अगला है बर्जियन. बर्जियन का मतलब हो जाता है टू बिगिन टू ग्रो और डेवलप रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करने के सेंस में आता है बर्जियन. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा एक्सेलरेट, एक्यूमुलेट, एप्रिशिएट, बलून, बूम, बिल्डअप, क्लाइम एंड लार्ज. एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, छोटा करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, लेसन करना, रिसीड करना, वेन करना. शी बर्जियन इनटू अ फाइन एक्ट्रेस, यानी कि वो एक फाइन एक्ट्रेस बनकर उभरी. तो बर्जियन मतलब होता है टू ग्रो रैपिडली. अगला टर्म क्या है, बर्लेस्क्यू. बर्लेस्क्यू बर्लेस्क्यू का मतलब हो जाता है आपका अ परफॉर्मेंस और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज विच ट्राइज टू मेक समथिंग लुक सिली बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे. यानी कि किसी, जैसे आप अक्सर देखते हैं क्या होता है, एप्पल का इवेंट होता है, उसके बाद एआईबी क्या करता था कि उसके इवेंट का एक स्पूफ वीडियो बना देता था. आजकल ये काफी ट्रेंड में कि कोई भी चीज है उसका हम एक स्पूफ वीडियो बना देते हैं जिसमें उसका मजाक बना रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्लेस्क्यू. ठीक है, तो कैरिकेचर, पैरोडी, पुट ऑन, रिप, सेंड अप, स्पूफ, टेक ऑफ, ट्रेवेस्टी, पैरोडी, ये सारे टर्म्स आपके चलन में हैं. द बुक रीड लाइक अ ब्लैक कॉमिक बर्लेस्क. ठीक है, तो जैसे आपको ये वीडियो याद होगा, इस वीडियो में क्या था, इस वीडियो में जो रोडीज का ये क्या है, पैरोडी वीडियो है, तो इट कैन बी कॉल्ड बर्लेस्क. स्पेलिंग गलत होगी, बर्लेस्क इज द राइट आंसर, बी यू आर एल ई एस क्यू यू ई हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमारे आज के वीडियो के लिए थे. आप AMANT कोड इस्तेमाल कर सकते हैं हम अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. अगर कोई क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8299117042. आप इस पर मैसेज करके मुझे कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं. साथ ही साथ वीडियो अगर यहाँ तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन रीच टू द लार्जर ऑडियंस एंड वी कैन कंप्लीट दिस डिक्शनरी. आई रियली वांट कि मैं इसे कंप्लीट करूँ, बट उसके लिए आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक.